नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। फ्रेंड्स, जैसा कि वो पता होगा एसएससी जेई 2019 का दोस्तों फॉर्म आ चुका है। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और दोस्तों कितनी वैकेंसी आई हुई है, पूरा दोस्तों फॉर्म ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाऊँगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है पूरे फॉर्म के बारे में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसएससी जेई 2019 के बारे में दोस्तों, जिसका इंतजार सभी डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट्स को था जिन्होंने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से बीटेक यानी कि डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, बीई कर रखा है। सबको दोस्तों इंतजार था एसएससी जेई 2019 का। तो दोस्तों अब आपकी इंतजार घड़ियाँ समाप्त होती हैं और आ चुका है आपके सामने फॉर्म। दोस्तों एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी 2019 से। और इसके अलावा दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है उसकी बात करते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं क्या आया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये दोस्तों आपके सामने एक शार्ट नोटिफिकेशन है जिसको आप देख सकते हैं। ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे देखिए तो साफ साफ लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ब्लॉक नंबर 1-2, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। 60 नोटिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 60 नोटिस क्या आया हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड क्वान्टिटिव सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2018। अगर दोस्तों बात करते हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू कंडक्ट द जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियर मैकेनिकल एंड क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2018 इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा। इन दिस कॉन्टेस्ट इट इज़ इन्फॉर्म दैट डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशन एटीसी फॉर द एबव सेड एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट, दैट मीन्स https://ssc.nic.in। दोस्तों इस जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, यहाँ पे आपका फॉर्म दोस्तों अवेलेबल करवा दिया जाएगा 28/1/2019 से, मतलब 28 जनवरी 2019 से आपका फॉर्म दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना है देखिए यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट द कमीशन ऑन फ्रॉम 28 जनवरी 2019 से 25 फरवरी 2019। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को 28 जनवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 तक दोस्तों अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों ये था आपके सामने 60 नोटिफिकेशन। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वो आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन के द्वारा। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल ओबीसी की जो फीस है वो 100 रुपये रखे गए हैं। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 0 फीस है। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन आपका है, CPW D है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं आगे तो देखिए यहाँ पे MES की बात करता हूँ तो ये आपका है फरक्का बैरेज का है, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर का है, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर पावर रिसोर्स का है, DT आप क्वालिटी एश्योरेंस का है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है। दोस्तों ये सब जो पोस्टें आपकी हैं सबको सब इसके रिलेवेंट ट्रेड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल जिसका भी आपका थ्रू यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा उसके थ्रू आपको दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अभी दोस्तों टोटल वैकेंसी कितनी आ रही है वो अभी नहीं कह सकते हैं। अभी इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो 28 जनवरी को आएगा, जब से आपका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट होगा। तो 28 जनवरी को दोस्तों आप फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। 28 जनवरी से लेके जो भी आपको डेट यहाँ पे मिल रही है, फरवरी की मिल रही है दोस्तों, 25 फरवरी की, तो उसके बीच में दोस्तों 25 फरवरी से पहले अपने फॉर्म को दोस्तों अप्लाई कर लीजिएगा। और टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है पूरी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों जैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट होता है इससे पहले वीडियो लेकर आपके सामने दोस्तों हाजिर हो जाऊँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।